टू मास्टर आप असली वेबसाइट में जाके देख लें, न्यूज़वीक के 1-2 मास्टर है। ये लोग पता नहीं कहां कहां से आ गए, उल्टे सीधे करके लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। दूसरे सवाल ये, और ऑनलाइन कभी रहेगी, सीखना भी नहीं चाहिए ना करना चाहिए। ये लोगों से करते हैं कि ऐसा करो ये करो कर, और डिस्टेंस देखिए, सीखने के बाद फिर लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं आप, हीलिंग दे सकते हैं पूरे। वो किताब में मैंने लिखा हुआ, मैं भी करता हूँ और होती है। और शुरू से ही कैसा कर रहा कि मैं जाली तरीके से उस बंदे को हीलिंग दे, तो आपकी जब सोच ही अच्छी नहीं तो आप उसको क्या अच्छी सोच भेजेंगे। आप पहले सीखे ही नहीं है सही से तो क्या भेजेंगे भाई। इसका बात है कि बगैर अटून के एनर्जी पावर आता नहीं है, अब बगैर ग्राउंडिंग करे हुए रेकी होती नहीं है। ये सही रेकी करने वाले ऑटोमेटिक हाथ गर्म होते हैं, घिसने के क्या तालुक, घिसने का भी इसमें नहीं है। तो ये लोग गलत तरीके से जो लोग इस फील्ड में आ गए, इस फील्ड को भी खराब कर रहे हैं। तो ये हाथ घिस लो, ये घिस लो, वो घिस लो, ये सब गलत बयाने से काम लेंगे, इनसे बचिएगा। रेकी के 3 लेवल होते हैं, 1, 2 और मास्टर लेवल। मास्टर भी समझे 61 डेज में सही मानों में बनता है। तो ये चीज आज समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें जो आ रहे हैं फेसबुक में ग्रुप्स में, सब गलत बयाने से काम ले रहे हैं। इनकी किसी के पास किताब नहीं है। आती औरतें कहीं, मैं तो नहा रही थी, कह दिया मैंने अटून कर दिया, पैसे भेज दो, और बेचारी इजी पैसा कर दिया। बाद में जब पूछी लाइन बंद कर दिया। ठीक के बेचारे फिर मेरे पास आते, सर देखिए कुछ दिया भी नहीं है, सैंपल बनाना सिखा दिया और मैं ऐसा हूँ ऐसा, तो आप क्यों गए। अब मासूम लोग, उनको पता ही नहीं होता, चले जाते हैं, अब उनको पकड़ लेते हैं। या रोज के 10-15 फोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, सर वो सिखा, मैंने भाई उनसे सीख लो, मैं नहीं सिखाता। ठीक है, अभी कोयता से भी बढ़ाना है बेचारा, वो सीख के गया, पहले आपने बोला हाँ आके सुने, नहीं यार आके सीख के जाओ भाई। मुल्तान से खातून हवाई जहाज के जरिए आई, सीख के गई, इसीलिए लोग आते हैं। क्यों इस तरह करते हो गलत ब्याह, जब वो फोन करके पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन होते हैं, उसका फोन जो ब्लॉक कर रहे थे। ठीक किसी की कोई ऐसा नहीं, लेकिन आज हमने क्लियर कर दिया ना, लेवल 1-2 और मास्टर होता है, बस बीच में कुछ नहीं होता। उसमें देखो लोग क्या क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, इस लाइन में भी आके गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह करते हैं, टोटल गलत बयाने से काम लेते हैं। अब पता नहीं उनका जमीर कैसा है। हाँ 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 देखिए नहीं देखे उसमें ये लिखा है, मैंने किताब में लिखा, देखिए इतना पावरफुल जो आप लोग सीख कर काम करते गए। हाँ हाँ वो बिल्कुल आसानी हो, जो क्लाइंट है या पेशेंट है नहीं वो काम कर सकता, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके लिए। वो लेट जाए बैठ जाए उसका कोई मसला नहीं, लेट जाए तो और अच्छा। अगर आप फोन कर रहे हैं, फोन करके कर दें तो आसानी हो जाएगी, वो लेट जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा फायदा होगा उसको और हीलिंग हो जाएगी। बिल्कुल लोगों में आसानियां बांटें, लोग परेशान हैं छोटी छोटी चीजों में, आते हैं बेचारे परेशान हो गए, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। आसानियां बांटने के बजाय लोग ऐसे मौका ढूंढ के उनको गुमराह करते हैं। मैं यूट्यूब में भी डाला हूँ, अगर आपके आधे सर में दर्द हो रहा है, मिग्रेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखिए दो नाक नखने हैं ये ना, दोनों से सांस आती जाती नहीं है, एक आराम करती है, एक से सांस चेक कीजिएगा, एक से सांस आती जाती है। कभी भी सर में दर्द हो या कुछ दर्द हो तो सीधा नखना बंद करके उल्टे नाक से सांस लेना है आपने। अगर आपके सर में दर्द है, कुछ मिग्रेन है, कुछ भी हो रहा, तो इससे सांस आप लेना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर बीपी हाई हो रहा है तो देखना कि इससे सांस चलती है। ये आज खास चीज़ बता रहा हूँ, बताते चला रहा हूँ, लेकिन आप लोग नए नए ना बता, तो देखिए इस सांस, अगर कोई देखा हो जो लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके हाथ के सामने उंगली ले आना, इतना इससे चल रही होगी सांस सीधे से। हाँ ये गुस्से में ना फिर ये चलती है, तो ये नथना बंद करके आप इससे सांस लेंगे 5 मिनट तक, आपका बीपी नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भाई कोलेस्ट्रॉल का कम होना जरूरी है, ये नहीं आपने मुर्गन की गाय खा लिए, सब कुछ खा लिए तो फिर वो, तो ये बंद करके रात देखिए गड़बड़ बदल हो गए,
नींद के पीछे नहीं भागे, अगर आप नींद के पीछे भागेंगे नींद नहीं आएगी। उठ के, मेरे YouTube में भी डाला, उठ के आप वजू बनाए, वजू बनाए के एक सितारा ही पढ़ लें, गिनती की आनी है। कभी भी करवट बदलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। जब नींद आएगी तो आप नहीं जाग रहे हो तो फिर नींद भाग जाती है, उसका भी एक वक्त है। जब नींद आए तो आप सो जाएं, आपको नींद आ जाएगी। खा लें ताकि काम करने दें। हमने उसके बाद फिर करवट बदल, नींद के पीछे उठ जाए, नींद आ जाएगी। और ये उल्टे नथने से आप जब शाम हो जाएगा, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। टैबलेट ले रहे हैं क्या है? नीचे आ जाएगा, आप दिखेगा करके देखें। अभी एक नथना बंद करें, और बिल्कुल हाँ चेक करें, एक एक आराम कर। हाँ ठीक, इसमें आपका हमारा इख्तियार नहीं है, ये तो कुदरत का कानून है। जहाँ हमारा इख्तियार आपका है वहाँ तो चला सकते। कम नहीं हो रहा है तो उसकी एक टिंक बना, लेकिन चेक करके ये करना। शुगर फौरन नीचे आती है बड़ा दबा के, या तो आप कहाँ खड़े होंगे किधर बताएं किस तरह से। आपने जरा ये हटाओ, ये हैबिट डाल लेंगे तो शुगर ऊपर नहीं जाएगी। अब ये तुम पंजे पे ऊपर नीचे करो, हाँ करो नीचे करें। हाँ ये दिखाएं इसको जरा, देखें ये इधर इधर आ जाओ, इधर आके दिखाओ। देखिए अगर शुगर बढ़ रही है तो करना, करते रहें आप, करते रहें। देखिए ये जो हैबिट है ये डालें, किसी को भी बताएं, लोगों को बताएं, छोटी छोटी नेकियां करें, उनको आसानी पैदा। इससे क्या हो रहा है, पूरा वजन जो पंजों में आता है आखिरी हिस्सा है, यहीं से शुगर, ये भी आपने देखा शुगर जो होती है तो पैरों में जख्म सबसे पहले होते हैं। तो ये हैबिट करते रहेंगे तो 5 मिनट करेंगे आप, पहले चेक कर लीजिएगा शुगर, बाद में चेक करिए नीचे आ जाएगी। तो ये आदत डाल लें तो शुगर नीचे आ जाएगी। और हमेशा आदत डाल लें दोनों, असल तो फास्टिंग का है, रिदम तो जिस खाने पे जाते फिर नीचे आ जाते, लेकिन ये कंट्रोल हो जाते, ये करना है। ये समझ में आ गया? अच्छा, अगर जिसको पेशाब आता है घड़ी घड़ी आता है, बस आ जाओ, आके बैठ जाओ आप, ये समझ में आ गया? अब जिसको पेशाब घड़ी घड़ी आता है तो आप जरा वो उठाएं अपना वो, ये जगह है ना, इस जगह को ये ऐसा ऐसे नीचे करना है। देखिए ऐसा, ये उंगली से यूं नीचे करना है, दिखाओ उनको, तीनों को दिखाओ, ऐसे नहीं। देखिए सर, ये उंगली से ये जो हड्डी है ना, यहाँ से नीचे लाना है। हाँ करें करें, तीनों का दिखाएं। अगर पेशाब बार बार आ रहा है तो आप ये अमल करेंगे तो पेशाब बार बार नहीं आएगा, पेशाब सही हो जाएगा। ये अमल करना है आप, ये दो चीज़ आपको ये बताया है, लोगों को बताएं, आसानी पैदा करें, सवाब कमाएं। देखिए डकार आ जाएगी अगर गैस हो, अगर गैस रहता है तो उनको कहिएगा ये पैर ऊपर करके बैठे, लेट के ये टांग ऊपर, वो गैस खारिज हो जाएगी। ये करते रहेंगे करते रहेंगे, जैसे लेट गए ना तो गैस खारिज हो जाएगी, फिर गैस नहीं होगी। और खाने के वक्त बीच में एक दो घूंट पानी में आखिरी में नहीं पिए, आधे घंटे के बाद पिए, फिर गैस नहीं बनेगी। असल देखिए हमारे दीन ने बताया कि एक हिस्सा खाओ एक हिस्सा पानी पिए खाली रखो। हम क्या करते हैं, यहाँ तक खाए फिर पानी पिए, अब एसिडिटी बढ़ती तो डकारे आती है, जैसे जब डकार आएंगे तो यहाँ तक भर ली। अगर आप नीचे तक रखेंगे तो फिर डकारें नहीं आएगी, तो फौरन नहीं पानी पीना। पानी पीने के बाद में गड़बड़ होगी, वो चीज़ फूलती है, गैस बनती है, फिर डकारें आती है। तो ये पॉइंट है, देखिए ये जो अंगूठे के साथ है, ये आला है, ये दबाएंगे आप। हाँ ठीक है सर, दबाएं,
जिसका भी होगा बताइएगा। हाँ, लेफ्ट का, ये उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ का दबा लें, सीधे हाथ का दबा लें, फिर उल्टे हाथ का ज्यादा है, ये दबाएंगे डकार है। ये देखिए, अगर होगा पेट में जब तो दर्द होगा, अगर कितना कोई तो दर्द होगा तो आप दबाएंगे सही जगह। इसी तरह घुटने कमर में दर्द है तो देखिए ये जैसा निशान है, ये निशान यहाँ लगा के यहाँ लाना आपने, ये निशान यहाँ लगा के यहाँ लाना, फिर इसको दबाना है। ये दबाएंगे आप तो कमर का दर्द आपका नहीं होगा, ये दबाते रहेंगे तो कमर का दर्द नहीं होगा। ये कमर का पॉइंट है, ये कमर का दर्द आपका नहीं होगा। ये एक ऑपरेशन में आ रही है, आप तो आने के मतलब देखिए हर चीज बताते हो, रेखी के अलावा कितनी चीजें बताते हैं। ये आज आप लोग आए, कितनी मालूमात हुई ना, कि ये लोगों को बताएंगे करेंगे, लगता नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा, कभी इस हाथ में कर लें, कभी इस हाथ में कर लें, तो ये दर्द नहीं होगा, आराम हो जाएगा। लोगों को बताएं, जो अच्छी चीज सीखें आगे बढ़ाएं। लोग इनका, हाँ इनका प्रॉब्लम है, किसी कुछ बार किसी का कुछ प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, इस दुनिया में आए ना तो फायदा पहुंचाने के लिए सोचो यार, मेरी जात से जो फायदा हो तो बेहतर हो। खुद ही आए, खुद ही जी, लोग देखा ने आए, खुद ही खाए पिए चले गए, एक दरख्त सबके नहीं रहे तो फायदा क्या हुआ भाई? हाँ हाँ, तो फायदा क्या हुआ किसी की, कुछ अच्छा काम कर दो कुछ। कोई भी एक साहब आए, उनकी बहन यूके में रहती, वो पिंडी में खून क्या, वो पिंडी से यहाँ आए, एक दिन रहे, मोमबत्ती एक दिन रखता हूँ चार्ज करने के लिए, फिर वो लेके यहाँ से गए, उनका काम हो गया। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बांटें ताकि आसानी पैदा हो सके। नहीं, असल उसके करने के लिए इत्मीनान चाहिए। अभी कोई लाया उसी वक्त बैठेंगे तो नहीं होगा, उसको कई बार कल ले जाए, इत्मीनान से बैठ के जब जाहिर देखे एक काम कर रहे हैं, जैसे नमाज पढ़े तवज्जो से पढ़ेंगे नमाज होगी। अब कोई आता बोले खड़ो में जल्दी नमाज पढ़ लेता हूँ, इस तरह नहीं होता, पढ़ तो रहे हैं तो आप तवज्जो नहीं, तमाम तवज्जो आपकी होगी। उसको कह दो भाई आधे घंटे के बाद आ जाओ, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन बहुत से देखा होगा आपने, दुकान पर जाओ, रुक जाओ मैं नमाज पढ़ के तुम्हें सौदा देता हूँ। और एक तो ये आपने देखा होगा दुकान पे, लोग दुकानदार कहते यार बरकत नहीं हो रही मेरी। एक तो क्या करते हैं हमारे यहाँ पर, एक बजे तो 12 बजे सो के उठते हैं, जाके दुकान खोला, जब अल्लाह ताला ने उस तमाम दुकानों से छोड़ के उस दुकान को ग्राहक भेजा, तो अब जनाब वो क्या करे यार, अभी मैं खाना खा रहा हूँ बाद में आना है ऐसा, खाना खाने तो फिर कहाँ से बरकत होगी भाई? हाँ वो खाना तुम बाद में खा लो, चलो फिर ऐसा। आप देखो यही हो रहा हमारे मुल्क में, 12 बजे दुकान खोलते हैं, सफाई वफाई करी, ग्राहक आया तो खाने का वक्त हो गया, फिर मैं खाना खा रहा हूँ बाद में आना। मैं तो दुकान वाले फिर कहते हैं कारोबार नहीं चल रहे थे भाई, बेचारे इतनी दूर से सब दुकान छोड़ के तुम्हारे पास एक अल्लाह की रहमत आई, रोजगार आया, तो जल्दी से दे दो, अगर मैं खाना खा के आना भाई कर लेना। ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, क्यों बरकत भाग रही है, क्यों रोजी बरकत नहीं आ रही, वो परेशानी के ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे करके ये परेशानी आ रही है। ईमानदारी से छोटी छोटी मोहब्बत बांधे, अच्छी अच्छी बात से अच्छी अच्छी सोच रखें ना, कोई वजह नहीं बरकत ना आए। ये आप देखें, दोनों पैर में रख के घुमाएं, आराम से बैठ जाएं, पैर रखें आगे पीछे करें, हाँ। इससे क्या होता है, पूरे पॉइंट आपके एक्टिव होंगे, दिल गुर्दे ये जो ये सूजन नहीं आएगी, पैर में नहीं मुड़ेंगे, दर्द नहीं होगा, ना अर्कू निशा का होगा, ना घुटने उठने, सब ही हो जाते हैं। और ये हाथ का है, ये हाथ में चलाएं आप ऐसे से, ये हाथ में जो पॉइंट है वो हील हो जाते हैं, जिससे शुगर के जो पॉइंट वाइंट हाथ में ये पूरे हील हो जाएंगे आपके। ये रख के घर में सब कर सकते हैं, 2 मिनट कर ले रात को, अगर आपको 500 पेशेंट होता है कब रहता है, 3 मिनट करके सो जाए, आपको नींद अच्छी आ जाएगी, सुबह पेट बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। हाँ, ये दर्द उर्द कभी नहीं होगा, जो बुक में दिया हो ना, मैंने एको प्रेशर का सिखाता हूँ, जो सारी चीज़ें ये दी हुई है, ये करेंगे तो बिल्कुल सही, लेकिन एक दफ़ा करेंगे जिंदगी भर रहेगा। और ये गुटके और मोमबत्ती तो पूरी दुनिया में गई है, हाँ सब लोग आते हैं। आज भी एक साहब आए, वो बहन उसकी मंगवाई थी, मैंने बताया ना पूरी माया कुछ नहीं कर रही, छूटे थे उसके हाथ वहाँ हिलेंगे, हाँ 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 जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल भी, उसके पैर में आप करें एको प्रेशर हो, जो बेचारे हिल नहीं सक रही, कर नहीं सक रही, करें हाथ में दे दें उसको करें,
पूरी हील हो जाता है और ताजो तरो ताजा हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं दिल गुर्दे फेफड़े सब पे पॉइंट दिए बन जाते। अब देखना सर्दी आती है तो हम हाथ को सेकते हैं ना, जिस्म को तो नहीं सेकते, पूरा जिस्म गर्म होता, पूरा जिस्म गर्म होता हो जाता, पूरा जिस्म गर्म। हाँ हाँ शुगर नीचे आती है, इससे शुगर नीचे आती है। ये शुगर का पॉइंट भी है ना इसमें हाथ में, ठीक है ना, ये जगह शुगर का पॉइंट है, ये शुगर का पॉइंट है, ये पेट का जो अभी आपने किया, ये पेट का, ये दिल गुर्दे सब दिखाया था ना बुक, ये सारी चीजें ये हल हो जाती है।